वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। एच एल एस सी एग्जामिनेशन 2022 का जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस सीरीज में बनाया हुआ हूँ, उसमें आप बोर्ड में जो देख रहे हैं कि जो तीसरा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। अब बोर्ड में जहाँ देखें एमसीक्यू जो वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का, वह आपका थर्ड लेसन थर्ड चैप्टर से एक पूछेंगे, और शॉर्ट आंसर जो दो मार्क्स का है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का वो एक पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका जो थर्ड चैप्टर है उससे 7 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 7 मार्क्स में से हम आपको पहले बता चुके हैं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। अभी मैं ये आपका जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेक्स्ट जो एसएलसी एग्जामिनेशन में, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ हूँ। तो चलिए अभी हम थर्ड चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट सीरीज मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन का लाया हुआ हूँ, उसमें पहला क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें आपका बोर्ड में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ये हम लोग का पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिया है। इसमें एक जो वेरिएबल है आपका एक्स वाई, पेयर ऑफ इक्वेशन में दो वेरिएबल होता ही है, इसमें एक और वेरिएबल दे दिया है पी, जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और पी का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जो दिया हुआ हम लोगों का गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो यूनिक हो। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप लोगों को किस प्रकार के पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है यूनिक होता है, इन्फाइनेटी मेनी सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, इसका कंडीशन आपको पता होना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो क्या है, a1 by a2 ≠ b1 by 2, इसके हेल्प से इसका वैल्यू निकालेंगे पी का। चलिए कैसे निकालते देखते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है दो, ये दोनों इक्वेशन को जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म का जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, a1x + b1y + c1, इससे कंपेयर करना होगा, a2x + b2y + c2 = 0, इसे कंपेयर करना होगा। तो पहला इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, तो a1 दिया है 4, फिर उसके बाद b1 p दिया हुआ है, c1 जो कांस्टेंट होता है पहला इक्वेशन का उसको लेते हैं 8, और दूसरा इक्वेशन का जो x का कोफिशेंट होता है उसको a2 लेते हैं 2, उसके बाद y का जो कोफिशेंट होता है उसको b2 लेते हैं 2, और जो कांस्टेंट हम टर्म होता है सेकेंड इक्वेशन का उसको हम लोग c2 लेते हैं, वो 2 है। अभी हम लोग जानते हैं ना फॉर यूनिक सॉल्यूशन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका कंडीशन क्या है, आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसा a1 by a2 ≠ b1, ये कंडीशन को पहले आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद इसमें जो a1 और a2 जो वैल्यू दिया है उसको पुट कीजिए, a1 का वैल्यू कितना है 4, पुट किए, a2 का वैल्यू 2 है लिखे, उसके बाद b1 का वैल्यू देखिए p है, p लिखे, और b2 का जो वैल्यू है 2 है लिखे, नॉट इक्वल। अब इसे 2 1 2 2 2 4, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × p हो गया, 2 × 2 ≠ 4, तो इस प्रकार से हम लोगों को p का वैल्यू मिल गया। क्या मिला कि p का वैल्यू जो है 4 नहीं हो सकता, इसके अलावा जो भी वैल्यू होगा p का उसमें उसका जो ये दो इक्वेशन जो बनेगा उसका सोल्यूशन यूनिक होगा, यदि 4 हो जाएगा ना तो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो हम लोग का दिया हुआ जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और आपको दिया रहेगा इस इक्वेशन ए जो इक्वेशन इसको चेंज भी कर दे, तो प्रोसेस यही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम लिए हैं बोर्ड में देख ही रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशंस। जो दिया हुआ हम लोगों का पेयर ऑफ इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशन, इसका के का वैल्यू क्या हो जो हम लोगों का पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा।
तो चलिए इस के वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। इसके के का वैल्यू जो फाइंड करने के लिए जो हम लोगों का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशन है, अल्जेब्रिक कंडीशन है, उसको लेना पड़ेगा। इसके पहले वाला जो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग लिए थे, सेम प्रोसेस इसको भी करना है। तो इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना होगा एक्स का कोफिशियंट। तो ये आप लोगों को पता है, ये एक्स का जो कोफिशियंट है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ए वन। तो आप लोग दिया हुआ है के, बी वन दिया हुआ है थ्री, सी वन जो है आप लोग कॉन्स्टेंट टर्म जो है माइनस के माइनस थ्री दिया है, और यहाँ पे ले लेते हैं ए टू। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट सेकेंड क्वेश्चन में 12, बी वन के जो बी टू सॉरी बी टू के, और सी टू जो दिया हुआ है माइनस के। ये हम लोगों को मिल गया है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू सभी वैल्यू जल्द मिल गया हमको, जो रियल नंबर्स होते हैं ए वन ए टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन से सब निकल गया। तो जो इनफाइनिटी मैनी सोल्यूशन का जो कंडीशन है उसको लिखिए, फॉर इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए हम लोग के पास कंडीशन क्या है पता है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होता है। तो इसमें जो ए वन ए टू जो रियल नंबर वैल्यू जो है उन सब का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए वन का क्या वैल्यू दिया हुआ है आपका के, ए टू का वैल्यू देखिए 12 दिया है, 12 पुट करेंगे, और बी वन का वैल्यू 3 है, बी टू का वैल्यू देखिए के है, इसको पुट किए, सी वन का वैल्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर के माइनस 3, और सी सी टू का वैल्यू जो है माइनस के है। ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ माइनस कैंसिल कर सकते हैं, प्लस हो गया। तो इस प्रकार देखो तीन रेशियो मिल गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब तीन रेशियो मिल जाएगा ना आपको, तो दो 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 करके लेना पड़ेगा। तो पहला दो ले लेते हैं हम लोग के बाई, पहला जो दो रेशियो है क्या है के बाई 12 इक्वल टू 3 बाई के, इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के और के इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर 12 इंटू 3 36। अब जब के का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पे, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 36। तो यहाँ पे आपका के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6, मीन्स के का वैल्यू आ गया आपका एक तो 6 आया है एक माइनस 6, दो वैल्यू आया। तो ये पहला दो रेशियो लेने के कारण आया। चलिए हम लोग दूसरा रेशियो जो लेते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें ले लेते हैं। थ्री बाई के इक्वल टू के माइनस 3 बाई के, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू, जिसे सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, दिस वन टू दिस और 3 इंटू के 3 के, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस 3 के, और आपका ये 3 के आएगा। यहाँ पे देखिए सभी वेरिएबल है, सब में के है, तो सबको राइट लेफ्ट साइड में लाते हैं हम लोग 3 के, इसको जब इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 3 के साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया आपका के स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल टू 0। नेक्स्ट इधर करते हैं हम लोग, ये आपका क्या आया है के स्क्वायर माइनस 6 के इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आप के कॉमन कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो उसमें कॉमन कर लीजिएगा जो वेरिएबल है के माइनस 6 इक्वल टू 0, और दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 हो उसका मतलब क्या है, उसमें कोई एक 0 होना ही चाहिए। तो आइदर के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे के का वैल्यू 0 और 6 आया। देखिए ये दो रेशियो जो है ना इक्वल कब होगा, जब के का वैल्यू 6 और माइनस 2 माइनस 6 होने से, और ये दो रेशियो कब इक्वल होगा जब के का वैल्यू 0 और 6 हो। तो दोनों ही रेशियो, दोनों पेयर ऑफ रेशियो कब इक्वल होगा, दोनों में जो कॉमन है 6, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6। ठीक है चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोग थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या लिए हुए हैं, क्या लिया हुआ है आपका, जो दो क्वेश्चन हम लिए एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया था उसमें के पी का वैल्यू निकालना था, पी के जगह में के भी दे सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई भी वेरिएबल दे सकता है एक्स और वाई के अलावा। तो तीनों पहला वाला जो इक्वेशन लिए थे पेयर ऑफ इक्वेशन उसका जो सॉल्यूशन था यूनिक सॉल्यूशन था, दूसरा जो हम लोग इक्वेशन लिए
उसमें जो उसका सॉल्यूशन था वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था। अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड में कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो के का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो तीनों में तीन कंडीशन, इसी प्रकार से के का वैल्यू जब निकालने को दिया जाएगा तो ये तीन कंडीशन पर ही बेस्ट क्वेश्चन होगा। तो तीनों कंडीशन में जो भी क्वेश्चन दे वो इसी तरह से प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला बात है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। पर हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम लोग कैसे मालूम चला कि इक्वल के बाद जीरो नहीं है। तो पहले आप लोग जो है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, 3x+y-1=0। और इसको जब लिखें तो क्या होगा, 2k-1 × x+k-1 × y। देखिए ये जो एक पूरा कांस्टेंट टर्म है इसको बस्ता भर लेंगे ब्रैकेट में आके, 2k+1 ऐसे ये माइनस हो जाएगा, एक साथ पूरा कांस्टेंट है पूरा एक साथ ब्रैकेट लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो आपका कोफिशियंट है एक्स वाई उसके साथ कंपेयर करेंगे, मीन्स a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन सभी कोफिशियंट को लिखेंगे एक्स का दोनों इक्वेशन में। तो a1 क्या दिया हुआ है आपका 3, b1 क्या दिया हुआ है या कुछ भी नहीं है कोफिशियंट वाई का तो 1, c1 क्या दिया हुआ है -1। यहाँ पे देखिए a2 कितना दिया हुआ है 2k-1, b2 कितना दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग k-1, और c2 कितना दिया माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k-1 ये दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं ना फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है ये आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर हम वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है जी, a1 / a2 ये तो इक्वल होता ही है b1 / b2, नॉट इक्वल टू c1 / c2 होता है। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे, a1 का वैल्यू कितना है 3 और a2 का वैल्यू 2k-1, और देख रहे हैं b1 का वैल्यू कितना है आपका 1 और b2 का वैल्यू k-1, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है आपका -1 और c2 का वैल्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k-1। देखिए दोनों ही माइनस से प्लस कर सकते हैं आप। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग पहला दो रेशियो ले लेंगे, तो पहला जो दो रेशियो हम लोग लेंगे तो इसमें आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा के का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब ये दो लास्ट का जो दो रेशियो लेंगे ना तो उसको वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का के का वैल्यू मिलेगा कि क्या नहीं होना चाहिए। जब आपको पता चल जाए कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं होने का नहीं, इसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो नहीं होगा, वो होने से नहीं ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए जब आपका नो सॉल्यूशन दिया रहेगा तो पहला दो रेशियो लेके सॉल्व कर दीजिए, वो वहाँ से जो के का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। चलिए इसको करते हैं, 3/2k-1 = 1/k-1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दिमाग में बैठाने के लिए, देखेंगे खाली वीडियो तो नहीं होगा, जो हम क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसको नो देखिए नोट कीजिए फिर उसको खुद अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे तो बुक में भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम आपको दिए हुए हैं क्या कि जो क्वेश्चन आप किए हैं वो दिमाग में है कि नहीं चेक करने के लिए, उसके बाद जब क्वेश्चन नोट करके फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मैं इसको बता रहा हूँ पहले, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2k-1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3k, इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 1 = 3 हो गया 2k-1। अब सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये पहला जो है वो तो रहेगा ही 3k-3 2k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2k, और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, साइन चेंज हो जाता है। तो 3k और 2k में क्या हो जाएगा k-3 और +1 तो -2 = 0। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। तो जब पता चल गया k का वैल्यू 2 तो क्या के इसको लेंगे तो मालूम चलेगा k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए। तो हमको पता ही हो गया k का वैल्यू 2 होने से ही होगा, तो इसके अलावा जो भी वैल्यू हो वो नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोगों के यहीं तक करने से ये चल जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं आप कि जो हम फोर क्वेश्चन के रूप में क्या लिए हुए हैं, यहाँ पर भी आपको जैसे के का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे जो कंडीशन दिया होता था उसके हेल्प से, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन लिए थे उसमें सिर्फ एक ही
वेरिएबल का वैल्यू निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये भी बोर्ड में दो बार आ चुका है, तो यहाँ पे दो सेम दिया हुआ है, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस के, इसके हेल्प और जो सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ इक्वेशन का, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, इसको डाल दीजिए इधर ब्रैकेट में लगेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, ये 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का उसका कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 7। उसी तरह यहाँ पे a2 मिलेगा a माइनस बी, b2 मिलेगा a प्लस बी, और c2 मिलेगा माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2। तो जो हम लोगों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसका कंडीशन लेते हैं, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसके लिए जो कंडीशन है वो लिखते हैं। क्या दिया होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। यहाँ पे जो है इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 का वैल्यू आप लोगों को दिख रहा है 2 है, a2 का वैल्यू a माइनस बी, इसको लिख दिए। b1 का वैल्यू देखिए क्या है आपका 3 है, 3 लिख दिए, और b2 का वैल्यू a प्लस बी है, इसको लिख दिए। और c1 का वैल्यू देखिए क्या है माइनस 7, और c2 का वैल्यू माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहले इसके पहले भी हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन लेके, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या किए, पहला दो और लास्ट का 2 लेकर हम लोग सॉल्व किए। तो यहाँ पे पहला दो लेते हैं हम लोग, 2 बाई ए माइनस बी इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होगा इसका न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर के साथ, और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर के साथ। आपको इसको इधर लिखते हैं उसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखिए, 2a प्लस 2b इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b, सबको इधर ला दीजिए लेफ्ट साइड में, 2a प्लस 2b इक्वल माइनस इधर हो जाएगा आपका इधर से माइनस 3a माइनस 3b इक्वल टू 0। चलिए इसको लेते हैं इधर में 2a और 3a माइनस a हो जाएगा और प्लस 2b और आपका यहाँ इधर में माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3b माइनस 3b इधर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2b और प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3b क्या हो जाएगा प्लस 5b इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एक नंबर दे दीजिए इक्वेशन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट दो ये वाला ले लीजिए आपका दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन, 3 बाई ए प्लस बी इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपका 7 इंटू ए प्लस बी होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, 9a 3b और माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7b आएगा। तो अभी इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 9a, सबको आप राइट लेफ्ट साइड में ले आइए, 9a पहले जो है उसको लिख लीजिए 9a प्लस 3b माइनस 6, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 7a प्लस इधर से माइनस 7 हो जाएगा माइनस 7a, और ये प्लस 7b है तो इधर माइनस 7b इक्वल टू 0। इसका कैलकुलेशन कीजिए, 9a और 7a क्या हो जाएगा 2a,
3b और 7b माइनस 4b, ये तो माइनस 6 है, इक्वल टू 0। देखिए दो टू कॉमन है, टू कॉमन कर लेंगे, नहीं कॉमन करने से भी आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बड़ा होगा। टू कॉमन किए तो क्या होगा, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, टू चले जाइए कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका दो नंबर इक्वेशन आया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो दो इस दोनों पेयर ऑफ लिए आपका रेशियो लिए उससे वो दो इक्वेशन आ गया, और दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मेथड चाहे अच्छा इसमें सुइटेबल हो मेथड लगाकर सॉल्व करते हैं। इन मेथड से कोई लगाने से आंसर आएगा, हम इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करते हैं। वन नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, तो उसमें दिया हुआ है माइनस ए प्लस 5b इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ए इक्वल टू माइनस 5b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 5b इसको दे दीजिए तीन नंबर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन, ये जो तीन नंबर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन से आया, ऐसे एक से आया, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे दो में। चलिए हम इसका वैल्यू जो है पुट करते हैं दो नंबर इक्वेशन में, इसको इरेज कर देते हैं। तो putting the value of a in 2 equation 2 में, तो 2 जो equation दिया लिख लीजिए पहले, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0 है, पुट करें a का वैल्यू कितना है 5b पुट कर देते हैं, 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये वन वेरिएबल हो गया, इधर ले जाएंगे 3, तो बी अब जो है 3/3, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 1। अब देखिए ये जो बी का वैल्यू जो है आप 3 पुट कर दीजिए तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन 3 में पुट कर दीजिए, आप चाहें तो जो भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लिख लेते हैं बी 5 × 1, तो आपका क्या आ गया 5, तो यहाँ पे देखें आपको क्या आया, ए 5 आ गया, बी 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम इस जो हम लोगों का तीनों कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का, उसका हेल्प से हम लोग किस प्रकार के से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से जो हम लोगों का गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल दिया है एक्स का कोफिशिएंट, उसका वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं ये देखें। ये हम लोग यहाँ पे आपको पार्ट वन है, पार्ट वन में आप लोगों को हम मैंने चार क्वेश्चंस लिए, चारों क्वेश्चंस में हम आपको किस प्रकार से आपका ये जो कंडीशन रिलेशन है, अलजेब्रिक रिलेशन है पैरेलल लीनियर इक्वेशन का, उसका हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट टू में और मैं चार क्वेश्चन दूंगा, अभी ये जो पार्ट टू का जो भी वीडियो में डालो आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए आप लोगों को क्या कर लेना होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को मिल जाए, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, जिससे मैं क्या हूँ कि नया वीडियो जो बनाऊँ आप लोगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।